नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एकादशी व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक प्रचलित व्रत माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत संयम साध्य है। इस युग में यह व्रत संपूर्ण सुख भोग और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित होता है। निर्जला एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी व्रत का पौराणिक महत्व और व्याख्यान भी कम रोचक नहीं है। यह सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था। युधिष्ठिर ने कहा था, जनार्दन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा है, हे राजन इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और वेद वेदांतों के पारंगत विद्वान हैं। तभी वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन ग्रहण करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को भी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी के दिन यानी निर्जला एकादशी के दिन तुम भी ना खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझे भूख नहीं सही जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और तो दिनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोला, महाबुद्धिमान पितामह मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृष नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही दिन उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा इसके करने से मैं कल्याण का भी भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करिए और बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम ज्येष्ठ माह में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जन व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो सकता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे या तो व्रत पूर्ण हो जाता है, नहीं तो भंग भी हो सकता है। तदुपरांत द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें, अन्न का दान करें। इसके प्रकार से सब कार्य पूरा करके जितेंद्र पुरुष महाब्राह्मणों को साथ भोजन करें और उन्हें भोजन कराए। वर्ष भर में जितनी भी एकादशियां होती हैं उन सबका फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, वीरकाल और वक्राल आकृति काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्रीहरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया होगा तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य काल का भोगी होता है।
उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है और मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान दान जप होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति रिवाज से उपवास करना चाहिए और मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी के उपवास किया हे ब्रह्मास्त्र शराबी और चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धातु का दान करने से अथवा प्रत्येक धेनु या धृतमयी धेनु का दान करने से उचित फल की प्राप्ति होती है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठान द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट कराना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि को पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुँचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न वस्त्र गौजल शय्या सुंदर आसन कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा पाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्थ युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रखकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध धूप पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भीमसेन ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का भी दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से भी विख्यात हुई। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। निर्जला एकादशी की पूरी पूजा विधि में मैंने अलग से डाली हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा, आप लोग जरूर देखिएगा। मेरे वीडियो अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अपने फैमिली फ्रेंड में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरीके की पूजा पाठ से रिलेटेड हर एक वीडियो मैं डालती हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।